अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मामा एंड वी वी व्लॉग्स। आज की वीडियो उन मदर्स के लिए जो हॉस्पिटल सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाने वाली हैं, तो उनके लिए बहुत अहम है। उनके बैग में वो जो कैरी करके लेके जाएंगी हॉस्पिटल, क्या क्या होना चाहिए, नेसेसरी थिंग्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या क्या होंगी, वो हम मैं आपसे शेयर करूँगी। सबसे तो पहले आप अपने बैग में अपना एक सूट रखें, जो मदर है उसका एक या दो सूट्स होने चाहिए, और ये सीज़न के हिसाब से। उसके बाद आपके पास आपके पैंटीज़ का सेट ज़रूर होना चाहिए। देन आपके सैनिटरी पैड्स, बेसिकली सैनिटरी पैड्स आपको हॉस्पिटल या मिल जाते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हॉस्पिटल में ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं, इसलिए आप ख़ुद से अरेंज करके लें, किसी भी मेडिकल अच्छे से स्टोर से आपको अच्छे से मिल जाएंगे। फिर बेबी के आपके पास, ये तो मैंने कुछ आपको दिखाने के लिए रखे, एटलीस्ट आप 10 से 12 या 15 पैम्पर्स रखें, क्योंकि न्यू बोर्न होता है उसका कोई पता नहीं होता कि वो कितना यूज़ करता है इसे। फिर आप एक रैपिंग शीट, सीजनल रैपिंग शीट लाजमी रखें, ये कॉटन की है। आप अगर सर्दियों के मौसम है तो आप गर्म वार्म रैपिंग शीट्स रखें। फिर आप बेबी को जो कपड़े पहनाने हैं उसके 2 से 3 सेट्स ज़रूर रखें, या 4 भी रख लें उस बच्चे के। देन जो, और ये भी बात बताऊंगी कि जिनके अमूमन मदर या फादर के हाइट थोड़ी लंबी होती है, तो उनके बच्चे अमूमन हाइट में भी हाइटीडी होते हैं, तो उसके लिए उस साइज़ को अपने जहन में रखें, क्योंकि मेरे बच्चे माशाल्लाह हाइटीड थे तो मैंने हमेशा उनका साइज़ बड़ा ही लिया है। देन आप उसके सीज़न के हिसाब से सॉक्स, अगर वो रोम्पर्स हैं तो उसकी सॉक्स ऑलरेडी होंगी, लेकिन अगर रोम्पर्स या कोई और आप दूसरे सेट्स डाल रहे हैं तो उनके साथ सॉक्स और बिप्स ज़रूर रखें। देन आप उनके लिए सीजनल कैप, अगर वो पूरा बेबी के सूट का सेट है तो कैप रखने की अलग से ज़रूरत नहीं है, वो सेट के साथ ही होएगी उसके सूट के, लेकिन अगर नहीं है तो आप एक जो है कैप, बेबी कैप ज़रूर रखें। उसके बाद एक टॉवल बेबी के लिए और एक अपने लिए टॉवल ज़रूर रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो चीज़ें आपने साथ ले के जानी है, अमूमन सिजेरियन में स्टे इतना लंबा नहीं करते, बाज़ लोगों का स्टे किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से लंबा हो जाए, अदरवाइज़ वो नेक्स्ट डे या वेरी नेक्स्ट डे ज़रूर छुट्टी दे देते हैं। उसके लिए आप एक बेबी लोशन लेके जाएं, अगर ज़रूरत पड़े तो यूज़ होने के लिए आपके पास सारी चीज़ें हों। देन आपके पास पाउडर होना चाहिए, देन आपके पास बेबी शैम्पू होना चाहिए, बेबी ऑयल होना चाहिए। आप अपनी मेडिसन्स, अगर आप जो मेडिसन्स यूज़ करते हैं, विटामिंस, आयरन और कैल्शियम की आपने प्रेगनेंसी में यूज़ किया, मेरा मशवरा है कि आपने किसी भी सूरत इन मेडिसन्स को डिलीवरी के बाद भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि डिलीवरी से भी आपकी बॉडी में बहुत सा वीकनेस आती है फीमेल की, तो आप उसको पूरा करने के लिए इन मेडिसिंस को ज़रूर लें। देन एयर बर्ड्स लेके जाएं साथ। फिर एक आपके पास कॉम्ब होनी चाहिए आपके लिए, कुछ पिन्स होनी चाहिए आपके लिए, ताकि आप रैपिंग शीट को अच्छे से बाइंड कर सकें। आजकल तो रैपिंग शीट के साथ एक पट्टी भी आती है स्टिकर टाइप की, जो उसको बच्चे को रैप करके हम अच्छा सा उसको बाइंड कर सकते हैं। देन आपके पास एक नेजल पंप अपना ज़रूर रखें, ठीक है। अमूमन डॉक्टर्स शुरू में वो सारे उसके प्रोसेस को पूरा करते हैं, उसके नेजल भी साफ़ करते हैं, उसके हर चीज़ को अच्छे से साफ़ करते हैं, लेकिन आप हाइजीन के लिए अपने साथ सारी चीज़ें रखें। फिर आपके पास अगर बाज डॉक्टर्स शावर दे देते हैं आपको, फीमेल को जो मदर होती है उसको शावर ज़रूर देते हैं बेबी के साथ, तो आपके पास अपना शैम्पू ज़रूर हो, ठीक है। और एक इन सारी चीज़ों के लिए एक आपके पास रीज़नेबल साइज़ का, एक अच्छे से साइज़ का बैग ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक कैरी नेस्ट होना चाहिए, अगर कैरी नेस्ट नहीं भी है तो नोट अ प्रॉब्लम, आप वैसे भी हैंड कैरी करके भी बेबी को रैपिंग शीट के साथ ला सकते हैं। ये वो चीज़ें थी जो बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में और सी इन्फॉर्मेशन, किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ ज़रूर हाजिर होंगी, और ये भी शेयर करूँगी कि न्यू बोर्न के सीज़न के हिसाब से कौन से कपड़े होने चाहिए। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मामा एंड वी व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।